भाई कल KKR वर्सेस RCB का मैच क्या बवाल मैच हुआ है भाई। पूरे मैच में कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी एक टीम के पक्ष में मैच गया हो। आखिरी ओवर में भी जब जीत के लिए 21 रन चाहिए थे तब भी भाई उसके अंदर 3 छक्के RCB के करण शर्मा ने ठोक दिए। मगर बिचारी RCB कल भी पास होते होते एक बारी फिर फेल हो गई। बिचारों के मुंह में जीत का निवाला आकर भी बाहर फिसल गया। लेकिन भाई जो मैच स्टार्क ने कल फंसाया था ना करण से 3 छक्के खाकर, गौती भाई बस उसका बाहर निकलने का वेट ही कर रहे थे कभी ये बाहर आए और कूट दे उसको। लेकिन भाई RCB वालों कम से कम एक मैच तो जीत जाओ यार। पॉइंट टेबल में सारी टीमें ऊपर नीचे में होने में लग रही है लेकिन तुम होगी 10वें नंबर पर डेरा ही डाल के बैठ गए। भाई ये तो कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहा है। लेकिन अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना इसको उठाने की। यही लास्ट होता है भाई पॉइंट टेबल में नंबर। अब क्या जमीन खोद कर पाताल लोक में चले जाने का इरादा तुम लोगों का? खैर अब तो वैसे कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि अब तो RCB चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले प्लेऑफ में तो पहुंच नहीं सकती। मगर ऐसी तो भाई ये देख के आ रही थी कि कल तक भी RCB के फैंस ये सोच के बैठे हुए थे कि अगर अब भी RCB 7 में से 7 मैच जीत जाए तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए। ये गलत कर रहे हो भाई तुम RCB वालों, बेचारे फैंस के भरोसे पे। बाकी विराट कोहली और गौती भाई ने तो कल ही प्रैक्टिस के टाइम पे फैंस की एक्सपेक्टेशन पे धार मार दी थी और अब मैच पे तो RCB ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और पावर प्ले में फिल सॉल्टर ने तो काफी उधम मचाया। बेचारे लौकी के साथ घनी बदतमीजी भी की मगर सुनील नारायण कल बड़े चुपचाप बैठे रहे और फिर सिराज ने सुधम गारे को भी शांति से बिठा दिया। फिर पावर प्ले के आखिरी ओवर में नारायण का भी बल्ला रुक गया और फिर कैमरन ग्रीन ने रघुवंशी का तगड़ा कैच लपक लिया। उसके बाद दोनों अय्यरों के बीच में थोड़ी सी साझेदारी जमी तो कैमरन ग्रीन ने वेंकटेश अय्यर को चलता कर दिया। फिर 24 बनाकर रिंकू भी अपनी कैच दे बैठे लेकिन अय्यर का बल्ला चलता रहा और उन्होंने अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन फिर अगले ओवर में अपनी कैच भी देख बैठे मगर फिर आखिरी में रमनदीप और रसल ने मारा मारी करके KKR के बनवा दिए 222 रन। अब RCB बैटिंग करने उतरी तो शुरुआत तो RCB को भी काफी अच्छी मिली मगर फिर हो गया कोहली भाई और अंपायर के बीच में नो बॉल के चलते पंगा। कोहली भाई ने क्रीज के बाहर निकलकर बॉल खेली जो उस वक्त तो कमर से ऊपर थी मगर क्रीज के अंदर वो कमर से नीचे थी और कैच हर्षित ने पकड़ ही लिया था तो अंपायर ने उसे आउट दे दिया। मगर कोहली भाई उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बस यही बात थी कि जब कोहली भाई अंपायर को भी मीठे शब्द सुनाकर चले गए। फिर अगले ओवर में वरुण ने फैफ को चलता कर दिया लेकिन विल जैक की वजह से पावर प्ले में RCB के 74 रन भी बन गए। इसी तरह से विल जैक ने अपनी 50 पूरी करी साथ में पाटीदार ने भी बढ़िया बल्ला चलाया और 21 गेंदों में उन्होंने भी 50 जड़ दी। लगा कि भाई अब तो ये मैच पक्का RCB के पक्ष में है मगर अगले ओवर में आंद्रे रसल ने आकर विल जैक और रजत पाटीदार दोनों को बाहर कर दिया। फिर एक छक्का लगाकर ग्रीन भी कैच दे बैठे। फिर नारायण ने लोमरोर को भी निपटा दिया। लगा आखिरी में दिनेश कार्तिक और प्रभु देवा मिलकर मैच जिता देंगे मगर हर्षित ने प्रभु देसाई की भी विकेट निकाल दी। अब तो बस RCB की आखिरी आस दिनेश कार्तिक ही बचे थे कि रसल ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनको भी चलता कर दिया। लेकिन फिर जब जीत के लिए चेते आखिरी ओवर में 21 रन तो भाई करण शर्मा ने स्टाक को 3 छक्के लगाकर लगभग KKR का गेंद तो बजा ही दिया था कि स्टाक ने करण को कॉटन बोल्ड कर दिया और फिर आखिरी में लौकी को रन आउट करके KKR ने मैच जीत लिया पूरे 1 रन से।